हाउसवाइफ है, सब जानती है। चाची चलिए, जब तक आपका रूम नहीं सेट हो जाता तब तक आप नीलम चाची के कमरे में चल के आराम कर लीजिए। हाँ चाची, तब तक नीलम चाची आपका रूम सेट कर देगी। चाची चलिए ना, चलिए। नीलम, नीलम। आई मम्मी जी। अरे मेहमानों के लिए बिस्तर लगा दो, उन्होंने खाना खा लिया है, वो आते ही होंगे। ये कौन देखकर आएगा? नई देवरानी के कमरे में सुहागरात की सजावट में कोई कमी तो नहीं रह गई है? दीदी हम अभी देख कर। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। क्या हुआ रेनु दीदी? नीलम हम कब से सर्चिंग मेरी कॉलेज टाइम वाला एल्बम। इंग्लिश में कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। जरा नई बहू को भी तो दिखाए हमारे गोल्डन मोमेंट्स। चल लेकर आ। अभी लेके आते हैं दीदी। ये लीजिए दीदी आपका एल्बम। अमे नीलम भाभी। आई दीदी। हाँ दीदी। अमे नीलम भाभी, ये दवा गटकने के लिए थोड़ा दूध मिलेगा या सूखे से ही सटक लूँ? अभी लेकर आते हैं। अमे सूखे पानी से सटकोगी तो दवा गले में अटक जाएगी। मैं मम्मी से कुछ खर्चा पानी ले आओ तो फिर मैं। दीदी ये लीजिए दूध, हम आपके कमरे में ही रख के गए थे, शायद आपने देखा नहीं होगा। नीलम, नीलम। आई भैया। जी भैया। मेरे नए डाक टिकट वाली फाइल कहाँ है? अभी लाके देते हैं। नीलम, अरे यहाँ पे आओ भाई, खाने में थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, वो आम का अचार मिलेगा? अभी लेके आते हैं। हाँ, अब आएगा ना मजा। नीलम, नीलम, जाओ जाओ। नीलम एक मच्छर सारे देश को डॉट डॉट बना देता है। जल्दी से मेरे कमरे में मच्छरदानी लगाओ। पूरे कमरे में बॉर्डर का बंकर बनाकर रखा है मच्छरों ने। कहीं इनमें से एक मच्छर ऐसा ना हो जो मुझे फौजी ना रहने दे। जल्दी करो भाई। चाची आप चलिए, इस घर में ना आपको अफरा तफरी रोज देखने को मिलेगी। हाँ चाची, चल के आराम करिए। हाँ तो बड़े भैया क्या कह रहे थे बताइए। देख छोटको, गोवर्धन ने जो कह दी सो कह दी। शादी की पहली रात ऐसी रात होती है, ऐसी रात होती है, मतलब समझो, ऐसी रात होती है जैसे पोस्ट ऑफिस में नए डाक टिकट का लॉन्च हो। वाह बड़े भैया, क्या लाखपति की बात कही है यार आपने। शादी की पहली रात ऐसी रात होती है, ऐसी रात होती है कि जैसे आपने अपनी शादी की पहली रात पे डाक खाने में नया स्टंप लॉन्च किया है। औरत का असली सिंगार ना उसका मेकअप होता है। और क्या, बड़ी भाभी तो अब तक मेकअप पर ही चल रही है। छोटे, शादी की पहली रात नई गाड़ी की ड्राइव की तरह होती है।
बस स्टार्ट हो जाए ना, स्टॉप का बटन दबाने का मन ही नहीं करता। पर मनोहर भैया, जितना हमें पता है सच तो यह है कि आपकी सुहाग रात के दिन लोरी की तरह रेनू भाभी का लेक्चर सुनते सुनते आप गहरी निद्रा में विलीन हो गए थे। इन आर शास्त्र वी ऑल कॉल काम एज आर्ट, और आर्ट को बताए क्या कहते हैं? कला। और कला को क्या कहते हैं भाभी? छोटे, मेरी एक बात अच्छे से समझ लो। युद्ध के मैदान में दुश्मन तुम्हारे सामने, अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो दुश्मन लेगा। अब ये तुम पे है, तुम्हें दुश्मन को हराना है या फिर उससे हारना है। उद्धम भैया, यार हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब शादी की पहली रात जंग की रात होती है कि फिर मिलन की रात होती है। जंग की मिलन समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें। देखो ब्रदर इन ला, मेरे जिगर के छल्ले, अगर कुछ जानने के लिए कुछ खर्चा पानी करने को तैयार हो तो मैं बताने को तैयार हूं मैं कि आज की रात तुम करना क्या है, है? अरे ओ जीजा जी, अब यार शादी पे तुमने बहुत करा दिया हमारी अम्मा का एक्सपेंडिचर, और अब आके दे रहे हो तुम हमें यहाँ लेक्चर। हाँ, आज रात की बात है तो आई नो सुहागरात में क्या करते हैं। तो भैया हमें ना दो ज्ञान, खान पीने में लगाओ ध्यान। हाँ तो हम मना कराते हैं अपनी। ये है भैया सुहागरात चतुर्वेदी। अरे झूठी भाभी, आज तुम्हारी सुहागरात है तो बस ये समझ रहे हो कि कन्हैया है इंस्पेक्टर। आज की रात तो तुम्हारी गिरफ्तारी पक्की। सोना, एक बात समझ ले, तेरी जेठानिया और ननद तुझे आज ही सुहाग रात के जाल में फंसाएंगी। लेकिन तू अभी से संभल जा, तेरी परीक्षा है ये। बस अपने पति को ठोक बजा के पहचान ले। दादी 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 याद आ रही है? नहीं, दादी को याद करने की क्या जरूरत है, दादी तो हमेशा हमारे साथ रहती है। हमने कहा दीदी, आज हमारी सुहाग रात के लिए सबने इतना कुछ कहा, आप हमारी स्पेशल रात के लिए कुछ नहीं कहेंगी? हम? अरे छोटी बहू, इससे क्या पूछ रही हो, ये थोड़ी ना कुछ कहती है। अरे कहते तो हम लोग हैं, वो यहाँ कुछ कहने नहीं बल्कि करने आई है, वो भी इस घर का काम, क्योंकि ये इस घर की हाउसवाइफ है। हेलो, ये तुमरा ये हमरा बूट लो। अच्छा घटिया पेंटर हो बे, पेंटर तो दिखाई नहीं। अरे बारी बारी से आओ बे, बारी बारी से आओ। तुम कौन हो बे? साहब हम बैंड बाजा वाला। तो वो तो दिख रहा है बे, काम का है। साहब हम लोग का भी दे दीजिए पैसा। हाँ तुम लोग बजाए के दिखाओ, उसी हिसाब से लेके जाओ। हाँ? अब साहब बजा बजा के तो हम लोगों का बैंड बज गया है, अब कितना बजाए साहब। बे हमको समझाने की जरूरत नहीं ना, बजाए के दिखाओ उसी हिसाब से लेके जाओ, समझो? बजाओ। चुप 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 चुप, तुम काहे नहीं बजा रहे हो बे, बजाओ। हम? हाँ, तुम का नवाब हो का बे, हम बजाए के दिखाओ।
बस बस बे, फूफू से आवाज नहीं आ रही है, पैसे चाहिए। लियो तुमरा पकड़ लियो, और ई हमरा। साहब बाजा का वजन तो देखिए, ये तो बहुत कम है। अबे हमको समझाने की जरूरत नहीं ना, शर्म करो बे, इसका वजन ज्यादा है समझो। तुम्हारे आधे तो ऐसे फूक रहे थे जैसे गधे रेखते बे। पहले जाओ, तुमको अभी अभ्यास की जरूरत है, समझेगा नहीं? अब फूटो। अरे भाई साहब जितना बोले तो उतना तो लीजिए, ये तो मतलब सरासर जाती है। तुम तो हमको दधिकांदो मेला का झांकी समझ लिए बे, लगा हमरी बैंड बजाने। अरे दामाद जी, आप इसे मतलब क्या कह रहे हैं आप? दामाद बोल रहा है ना हमको, तो ये बात समझ लियो कि हम पूरे इलाहाबाद के दामाद हुए। जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, हमरी तरफ से जो देना था हम दे दिए, अब हमरी तरफ से आखिरी नमस्ते। मतलब शादी हमारी और कमाई तुम्हारी, जमा नहीं जीजू। देखो हमारे दो डायलॉग पैठ है, पहला कानून अंधा नहीं होता, और दूसरा ये कि कानून के हाथ जो हैं वो लंबे होते हैं, और कानून ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बच्चे तेरे साथ तो अकेले में गाना गाएंगे बे, हैं? बाल गीत बच्चे मन के सच्चे। और कानून वाले भाई साहब, हमने कहा हमको कानून से निबटना आता है मैं, हैं? इंसार्ट लियो अपना पार्ट। ईमानदार होते जा रहे हो हमारी तरह। खैर चीकू ये तुम्हारा, जीजू ये तुम्हारा, और बाकी अंधा कौन नहीं होता? कानून, कानून का जीजा जी आप तो जानते हैं, फिर भी आपको बता देते हैं, हम सीरियस बात को भी मजाक में लेते हैं। साला शादी करके आए, गले नहीं लगोगे यार, हैं? हाँ सर, से चीज चीज। तुझको सांझ सवेरे, नैनों में है, नैनों में है।
तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो अपनी लाइफ का एक खिल खिलाता हुआ सा एक्सपीरियंस हम अपनी वाइफ से शेयर करेंगे। दरअसल एक दिन हमने अपने उदास चेहरे से कहा, की बार जो आई चेहरे पे रौनक, कि अब की बार जो आई चेहरे पे रौनक, चांद मेरे आगोश में होगा और आज देखो चांद हमारे कितने करीब है। अब चांद का दीदार अगर करना है तो बादलों को तो हटाना ही पड़ेगा ना। सोने के गहने क्यों तूने पहने, काया तुम्हारी खुद कंचन है। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाए धड़का धड़का हाए, पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाए धड़का धड़का हाए, जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का भड़का हाए भड़का भड़का हाए, नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे बदले से लग स्टेशन। इंस्पेक्टर कन्हैया, अच्छा कच्चा बनियान गिरोह वाले जो लोगों को लूटते हैं बदन पे लगा के तेल, उनसे कह देना आ रहे हैं इंस्पेक्टर कन्हैया, अब दिखाएंगे अपना खेल। हैं पहुंच रहे हैं। धुं धुं धुं। ड्यूटी इज ड्यूटी। चाची आपको हमारे इस जॉइंट फैमिली में कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में
चाची का एंटरटेनमेंट करने वालों की कोई कमी नहीं है। चाची अब तक तो आपका रूम तैयार भी हो गया होगा, तो चले। और हाँ, अगर आप किसी और के हाथ में लग गए ना, तो आपके एक दो घंटे तो गए। चाची चलते हैं। बहू को यही रहने दो, हम बहू को उसके कमरे में छोड़ देंगे। जी दादी। हमारी प्यारी सोना बहू, यहाँ बैठो हमारे पास। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें अपना ससुराल? खुश हो ना यहाँ आके? मम्मी जी, हम अभी से क्या कह सकते हैं? जो अभी से कहना चाहिए, अपनी खुशी के बारे में फैसला करना आना चाहिए बहू। शादी हो जाना मतलब फैसला तो हो चुका है, और हमारे परिवार की खुशी में ही हमारी खुशी है। हा 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 हा, कितनी समझदार है हमारी बहू, अभी से सोचने लगी, समझने लगी। वाह वाह, बोलती है तो ऐसा लगता है कि एटीएम से कड़े कड़े नोट निकल रहे हैं। नहीं मम्मी जी, हमने तो कड़ी आवाज में किसी से बात नहीं की है, आपको शायद गलतफहमी हो रही है। हाजिर जवाब है हमारी बहू भाई, समझदारी होती है तो ऐसी ही होती है, एक ही बात में सारा स्टंप गिरा डाला। अच्छा बताओ, कैसा लग रहा है अपने परिवार की खुशी देखकर? अभी तो देखा है, धीरे धीरे पता चल जाएगा कि परिवार की खुशी किस में है। जरूर पता चल जाएगा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, विदाई के वक्त तुम्हारी दादी अम्मा ने कुछ दिया था क्या? हाँ मम्मी जी, अपना आशीर्वाद। अरे सोना बहू, आशीर्वाद तो हर कोई देता है, लेकिन आशीर्वाद के अलावा कुछ और दिया था क्या? हाँ मम्मी जी, सही वक्त पर खाने पीने की हिदायत दी थी। अरे मम्मी जी, बहू समझ नहीं पा रही, चिकनाई ज्यादा हो गई है बोलने में, थोड़ा स्क्रब मिला लीजिए, निखर कर आएगी। अपने ससुराल का खुला माहौल देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी बहू, हम माहौल की नहीं, तुम्हारे मायके की बात कर रहे हैं। तुम अपनी दादी अम्मा के घर से यहाँ अपने ससुराल आ गई हो, बच्चों जैसी बातें मत करो। जल्दी से बताओ कि तुम्हारी दादी अम्मा ने ससुराल के लिए कुछ कहा था क्या? हाँ कहा था, अपने संस्कार कभी मत भूलो। मम्मी जी, आज क्लियर क्लियर डायरेक्ट। ओके दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, दादी कुछ देना भूल गई है क्या? हमें ये क्या ढक्कन जैसी बातें कर रही है मैं? मम्मी ये सीधी बात समझने वाली नहीं है ना, हम पूछ रहे हैं ना। हाँ तो हम, अरे इस वक्त कौन आया होगा? कहीं तुम्हारे मायके से तो कोई नहीं आया? हम अभी आए। हाँ मम्मी जी को हमारे मायके की कितनी फिक्र है। अरे हम तो ये कहना ही भूल गए, दादी माँ ने ये भी कहा था कि आज से पति के चरणों में ही तुम्हारा स्वर्ग है। Thank you.
कौन है जो कच्चा बनियान में मिला? हमारी सुहागरात, इंस्पेक्टर कन्हैया की सुहागरात को अपनी रिमांड रात बनाने पे तुला। हाउसवाइफ है सब जानती है।